नमस्कार दोस्तों दोस्तों आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं जो हमारे लेथ मशीन होती है उसमें हम जो चक यूज़ करते हैं, कितने टाइप्स के चक यूज़ किए जाते हैं लेथ मशीन, और जो सीएनसी मशीन्स होती हैं उसमें हम डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के चक्स को यूज़ करते हैं। उन चक सभी जितने भी टाइप्स के चक्स होते हैं वो सभी टाइप्स के चक्स पर डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है, वीडियो में लास्ट तक बने रहना। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलिए। मेरा नाम है राजन और आप देख रहे हैं मैकेनिकल इंजीनियरिंग स्किल। तो चलिए दोस्तों बिना देर किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और समझते हैं जो चक है ये लेथ मशीन के जो चक हैं वो क्या होते हैं और किस तरह से ये वर्क करते हैं। तो दोस्तों बात करते हैं लेथ मशीन और सीएनसी मशीन में जो चक होते हैं, वो चक जो होते हैं हमारे वो क्या होते हैं आप देख सकते हैं इमेज में। ये जो हमारे हैं इन कंपोनेंट है ये उनको बोलते हैं हम चक। तो सबसे पहले बात करते हैं वर्डिंग चक, चक होता क्या है। दोस्तों चक के बारे में बताना चाहूँगा, जो हमारी जो लेथ मशीन होती है या सीएनसी मशीन होती है उनमें हम अपने कंपोनेंट को होल्ड करने के लिए जिस भी इक्विपमेंट का यूज़ करते हैं वो हमारा चक होता है। कई तरीके के हम डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के चक्स का यूज करते हैं, आगे हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। दोस्तों थोड़ी वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है, लास्ट तक बने रहना। मैं चक्स के बारे में आज सभी तरह के चक्स को दिखाऊंगा और बताऊंगा कि उनका क्या काम होता है, तो वीडियो में लास्ट तक बने रहना। तो जो भी कंपोनेंट हम मैंने बताया आपको, जो होल्ड करने के लिए जिस भी चीज़ का यूज करते हैं कंपोनेंट को लेथ मशीन या सीएनसी में, उसको बोलते हैं हम चक। उसके बाद दोस्तों बात करते हैं सबसे पहले हमारा टाइप्स ऑफ चक। जो टाइप्स ऑफ चक होते हैं वो कितने टाइप्स के चक हम यूज़ करते हैं, तो सबसे पहले बात करूंगा हम टू जा चक यूज़ करते हैं, थ्री जा चक, फोर जा चक, सिक्स जा चक, मैग्नेटिक चक, हाइड्रोलिक चक, ऑलेट चक, ड्रिल चक और स्पेशल जा चक। तो ये इतने कुछ टाइप्स हैं जो हम ज़्यादातर यूज करते हैं अपनी इंडस्ट्री में। कहीं वर्कशॉप है जहाँ पर हम प्रोडक्शंस कर रहे हैं या मास प्रोडक्शंस जहाँ पर हो रहा है, तो उनमें हम अलग अलग तरीके के चक्स का यूज करते हैं, तो उसमें से ये सभी चक्स हम यूज करते हैं। अब समझेंगे हम इन्हीं चक्स को एक एक करके वो कैसे होते हैं, क्या उनके एप्लीकेशंस हैं सभी के बारे में। तो सबसे पहले डिस्कस करते हैं, सबसे पहला जो हमारा चक है वो टूजा चक। टूजा चक है जो उसमें क्या होता है, सबसे पहले दोस्तों बताऊंगा आपको टूजा चक होता है उसमें जो जबड़े होते हैं उसके दो तरह के जबड़े होते हैं। अब दोस्तों मैं जो आपको बता रहा हूँ आप अपनी नोटबुक लेके उसको नोट कर सकते हैं, अपनी नोटबुक में आगे के लिए इसको लिख सकते हैं कि ये किस तरह से इनकी क्या डेफिनेशंस हैं, तो आप उसको इजीली लिख सकते हैं। तो दोस्तों जो टूजा चक होता है उसमें आप देख सकते हैं यहाँ पर दो जबड़े होते हैं जिसमें दो किसी कंपोनेंट को दो ही साइड से वो उसको क्लैंप करता है। ये छोटे कामों के लिए होता है, हल्के काम यहाँ पर हैवी वर्क के लिए हम इनका यूज नहीं करते। तो आप देख सकते हैं ये हमारे हैं टू जा, जिसमें चक में जो जा होते हैं, जो दोस्तों जा बताना चाहूँगा जो जबड़े होते हैं जिस जबड़ों की हेल्प से हम किसी कंपोनेंट को पकड़ते हैं, क्लैंप पकड़ बनाता है, उसको हम बोलते हैं जास। तो आप देख सकते हैं इसमें दो तरह के हमारे ये जास हैं, तो इसको बोलते हैं हम टू जा चक। ये देख सकते हैं आप यहाँ पर ये अलग अलग तरीके के हमारे टूजा चक हैं, जिसमें कुछ में सॉफ्ट जा भी यूज करते हैं हम, हार्ड जा भी यूज करते हैं, तो ये होते हैं हमारे टूजा चक्स। इसके बाद दोस्तों बात करते हैं थ्री जा चक। सबसे पहले दोस्तों बहुत ही मेन इंपॉर्टेंट है थ्रीजा जो चक है, ये थ्रीजा चक जिसको हम यूनिवर्सल और थ्रीजा चक या सेल्फ सेंटरिंग चक भी बोलते हैं। थ्रीजा चक जो है दोस्तों इसमें हमें सेंटर करना नहीं पड़ता, हमारा जो भी कंपोनेंट है खुद ही सेल्फ सेंटरिंग चक होता है, खुद ही हमारा जो जॉब है वो सेंटर पर होल्ड हो जाती है, इसमें हमें किसी सेंटर करने की सहायता नहीं होती। कॉमनली हम ज़्यादातर इसी तरीके का चक्स का यूज करते हैं, थ्रीजा चक या फोरजा चक ही सबसे ज़्यादा यूज किए जाते हैं नॉर्मली। उसके बाद हम मशीन्स में जाएंगे तो आगे भी हाइड्रोलिक चक्स भी यूज करते हैं, उन पर भी डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं हम थ्रीजा चक्स जो होते हैं हमारे उसमें क्या होते हैं। आपने देखा है यहाँ पर, जैसे उसमें देखा था आपने दो जबड़े थे, इसमें देखेंगे हम तीन जबड़े होते हैं इसके, तीनों तरफ से इसको क्लैम करता है और तीनों जबड़े इसके एक एक साथ चलते हैं, एक साथ मूव करते हैं इस तरह से। तो इसमें भी दोस्तों सॉफ्ट जा और हार्ड जा दोनों ही होते हैं। सॉफ्ट जा होते हैं वो सॉफ्ट मटेरियल को होल्ड करने के लिए होते हैं, हार्ड जा सॉफ्ट मटेरियल मतलब उस पर निशान नहीं पड़ने चाहिए, कोई डेंट वगैरह नहीं आना चाहिए, तो इसके लिए हम सॉफ्ट जाज का यूज़ करते हैं। बाकी जनरली हार्ड जा भी यूज, माइल्ड स्टील वगैरह आयरन पर हमें और करना है तो उसके लिए हम हार्ड जा का यूज़ करते हैं। तो आप देख सकते हैं अलग अलग तरीके के हमारे जो थ्री जा चक्स हैं, देख सकते हैं आप यहाँ से इमेज में अलग अलग तरह के हमारे थ्रीजा चक जो हम यूज़ करते हैं। इसके बाद दोस्तों बात करते हैं फोरजा चक, थ्रीजा चक के बारे में।
तीजा चक के बाद आप देख सकते हैं यहाँ से फोरजा चक के बारे में बात करते हैं। जो फोरजा चक है दोस्तों, इसमें क्या होता है, इसमें चार चक, चार तरफ से चार जबड़े होते हैं, चारों के चारों इंडिपेंडेंट होते हैं, अपने अलग अलग जबड़े, उनके सभी जबड़े अलग अलग खुलते हैं। इसमें जो कंपोनेंट को हम होल्ड करते हैं उसमें हमें सेंटर करना पड़ता है। सेंटर करने के लिए दोस्तों में हम सरफेस गेज का यूज़ करते हैं। दोस्तों अगर आप देखना चाहते हैं कि सरफेस गेज से हम कैसे सेंटर करते हैं, तो मैंने उस पर भी सेपरेट वीडियो बनाई है, आप उसको भी वहाँ से देख सकते हैं। तो ये तरह, ये कुछ हम अलग अलग तरीके के हमारे ये फोरजा चक्स हैं। इसके बाद दोस्तों उस फोरजा चक्स में देखेंगे और भी कुछ हमारे अलग अलग किसी में फोरजा चक्स हैं, तो आप यहाँ से देख सकते हैं इनको भी। इसके बाद दोस्तों बात करते हैं सिक्स जा चक। दोस्तों सिक्स जा चक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चक है। कुछ स्पेशल, मतलब जब हमें कोई ज़्यादा कंपोनेंट पकड़ ज़्यादा बनानी हो, तो उसके लिए कुछ स्पेशल काम के लिए हम इन तरह के सिक्स जास का चक करते का यूज़ करते हैं। इसमें जैसे आपने देखा टू जा थे, थ्री जा थे, फोर जा, अभी इसमें क्या है, सिक्स जा, यानी इसके जो जा होंगे उसमें, इसमें सिक्स तरह से आप देख सकते हैं इस इमेज में छह साइड से ये कंपोनेंट को पकड़ता है। इसकी ग्रिपिंग और भी ज़्यादा हो जाती है, पकड़ जो है वो और ज़्यादा मजबूत हो जाती है। जैसा आप देख सकते हैं यहाँ पर सिक्स जा चक है, ये एक स्पेशल पर्पज़ के लिए, अगर हमें कोई हेक्सागोनल शाफ्ट है या उसको कंपोनेंट हेक्सागोनल है, तो आप देख सकते हैं इसे इजली इस तरह के चक से हम उसको होल्ड कर सकते हैं। और कुछ स्पेशल जो हमारे वर्क होते हैं, जैसे वार्सल्स वगैरह हैं, उनको होल्ड करने के लिए, जो मशीन्स के पार्ट्स होते हैं, सिलाई मशीन्स वगैरह, उनके पार्टों को होल्ड करने के लिए हम इस तरह के चक्स का यूज करते हैं। और ये कुछ चक्स दोस्तों, ये भी स्पेशल हम बनवाने ऑर्डर पे, हमारे जो कंपोनेंट है उसके अकॉर्डिंग ये बनवाए जाते हैं। तो ये होते हैं सभी हमारे सिक्स जा चक्स। इसके बाद दोस्तों बात करते हैं मैग्नेटिक चक। जो मैग्नेटिक चक होता है दोस्तों, ये हल्के बहुत छोटे छोटे पीसों को पकड़ने के लिए होल्ड किया जाता है। इसके अंदर मैग्नेट होती है, मैग्नेट के जरिए आप देख सकते हैं यहाँ पर, ये मैग्नेट का इसका की होती है इसकी, इसके साथ इसमें मैग्नेट, जैसे ही हम इसको कंपोनेंट को रखेंगे और ये इसकी मैग्नेट से इसको होल्ड कर लेती है। तो ये सभी होते हैं हमारे मैग्नेट टाइप चक्स। इससे हमें मैग्नेट के जरिए, चुम्बक के जरिए ये क्लैम्प करती है और जॉब को छोड़ देती है। तो इस तरह से हम ये इस तरह के भी चक्स हम यूज करते हैं। इसके बाद दोस्तों बात करते हैं हाइड्रोलिक चक्स। हाइड्रोलिक चक्स या एयर हाइड्रोलिक और एयर ऑपरेटेड चक्स, दोस्तों ये चक बहुत ही इंपॉर्टेंट है हमारे जो सीएनसी मशीन्स वगैरह में। अधिकतर जो मास प्रोडक्शन, जहाँ पर हमें प्रोडक्शन ज़्यादा करना होता है, समय की बचत करनी होती है, तो उसमें क्या करते हैं हम, जो हेड स्टॉक होते हैं उसमें कुछ हाइड्रोलिक चक्स का यूज़ करते हैं, जिससे कि हमारा प्रोडक्शन ज़्यादा होता है, समय की बचत होती है। उसके लिए हम इस तरह के हाइड्रोलिक और एयर प्रेशर वाले चक्स का यूज़ करते हैं। तो आपको मैं दिखाना चाहूँगा, तो कुछ इस तरह के हमारे ये हाइड्रोलिक चक्स होते हैं, जो कि एयर हाइड्रोलिक जो है ऑयल प्रेशर से चलते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर ये हाइड्रोलिक चक्स के सिलेंडर्स वगैरह हैं, कुछ इस इमेज में देखेंगे हाइड्रोलिक सिलेंडर्स हैं इसके। तो ये सभी होते हैं हमारे हाइड्रोलिक चक। इसके बाद दोस्तों बात करते हैं कॉलेट चक के बारे में। दोस्तों कॉलेट चक होता है, ये छोटे छोटे पिन्स हैं, वाशर्स हैं, पिन वगैरह होती हैं, स्मॉल रॉड वगैरह हैं, उनको होल्ड करने के लिए सेम एक ड्रिल चक की तरह वर्क करते हैं हमारे ये कॉलेट चक्स। छोटे छोटे कंपोनेंट्स को होल्ड करने के लिए हम इससे ज़्यादा उनको, क्योंकि छोटे कंपोनेंट को होल्ड करने के लिए एक्यूरेसी ज़्यादा चाहिए होती है, तो उनको हम करने के लिए इस तरह के कॉलेट चक्स का यूज करते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ से इमेज में, ये अलग अलग तरीके के हमारे कॉलेट चक्स जो कि हम यूज करते हैं। इसके बाद दोस्तों बात करते हैं ड्रिल चक के बारे में। ड्रिल चक दोस्तों जो है लेथ मशीन में ड्रिल चक भी हम यूज करते हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर, ये आप देखेंगे यहाँ से इमेज में, ये हमारी है ड्रिल चक। दोस्तों ड्रिल चक जो है वो बताऊंगा मैं आपको। ड्रिल चक जैसे कि बताया मैंने, ड्रिल है, हमें ड्रिल करना है किसी कंपोनेंट में, रिमिंग करनी है, टैपिंग करनी है या कुछ भी करनी है, तो हम इसको ड्रिल को क्या करते हैं, उसके है जो हमारा लेथ मशीन होती है उसके टाइल स्टॉक में हम ड्रिल चक को फिक्स करके, या उसके बाद ड्रिल या टैप रीमर या कोई भी चीज़ हमें यूज़ करनी है, तो हम उसको ड्रिलिंग जो भी ऑपरेशन करना है उसको कर सकते हैं, तो इस ड्रिल चक की हेल्प से। इसके बाद दोस्तों बात करते हैं हमारा अगला जो चक है, स्पेशल चक्स हैं। दोस्तों ये जो स्पेशल चक्स हैं, ये कुछ स्टैंडर्ड्स नहीं होते, ये हमें जो साइज ले बनाना है, जिस साइज है, जो कंपोनेंट है, उसके अकॉर्डिंग ही हम इनको प्रिपेयर कराते हैं। किस तरह का हमें चक्स चाहिए उसके अकॉर्डिंग हम इनको बनाते हैं। दिस टाइप्स ऑफ चक मेड वो स्पेस, ये जैसे बताया मैंने आपको, स्पेशल पर्पज के लिए हम इनको बनाते हैं। तो आपको दिखाना चाहूँगा, जैसा कि आप इस चक को देख सकते हैं, तो इसमें क्या है, एक जो सिलाई मशीन्स होती है उसके पार्ट्स को, एक पार्ट है उसको ही पर्टिकुलर, उसी पार्ट्स को होल्ड करने के लिए हमने ये चक बनाया हुआ है। तो इस तरह के स्पेशल वर्क्स के लिए भी हम कुछ स्पेशल टाइप्स के ही चक्स का ही बना लेते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे, ये भी एक सिलाई मशीन के ही पार्ट है, उसको होल्ड करने के लिए एक अलग तरीके का चक बनाया हुआ है।
सेम इसी तरह से आपको एक और चक मैं दिखाना चाहूँगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर एक क्रैंक शाफ्ट है, क्रैंक शाफ्ट। तो ये जो चक है हमारा, ये क्रैंक शाफ्ट को होल्ड करता है, क्योंकि क्रैंक शाफ्ट आपने पता होगा कि क्रैंक शाफ्ट में जो टर्निंग होती है वो असेंटिंग टर्निंग होती है, उसके दो सेंटर्स पे वो टर्निंग की जाती है। तो उस तरह से हम इसमें भी इस तरह के शाफ्ट को भी होल्ड करने के लिए अलग अलग शाफ्ट या साइजेस के अकॉर्डिंग ये जो हमारे चक्स हैं वो बनाए जाते हैं। इसके बाद ये भी हमारा एक और इसी तरह के कंपोनेंट को होल्ड करने के लिए कुछ स्पेशल टाइप्स के ये सभी हमारे चक्स हैं। दोस्तों ये तो था आज हमारा इस वीडियो में चक्स के बारे में, जो चक हैं वो क्या होते हैं। आई होप चक्स के बारे में सभी डाउट्स होंगे सभी क्लियर करोगे। दोस्तों कोई सवाल, कोई क्वेरीज रही हो, कोई कमेंट, कोई क्वेश्चन हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए, मैं ज़रूर उसका रिप्लाई करूंगा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलिए। चैनल पर नए आए तो सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लीजिए ताकि ऐसी वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।